सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि स्पैम कॉल से कैसे बचा जाए, हम कैसे स्पैम कॉल्स को अवॉइड कर सकते हैं। आज के टाइम पे लोग स्पैम कॉलिंग को एक बिजनेस के तौर पे यूज करते हैं और इनका काम ही है लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे ऐंठना। हर घंटे लाखों लोगों को स्पैम कॉल्स आते हैं, जिनमें से कुछ लोग स्पैमर की बातों से अट्रैक्ट होकर अपने बैंक बैलेंस को जीरो करवा बैठते हैं। जैसे योगेश जी, जो खुद एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, इनके साथ भी स्पैमिंग के थ्रू 48 लाख का फ्रॉड हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि स्पैमिंग कितना ज्यादा इजी है लेकिन बहुत ज्यादा डेंजर है, खासकर उन पुअर फैमिली के लिए जो अपना थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करते हैं और अपने अकाउंट में बैंक बैलेंस बनाते हैं, अपने फैमिली के मैरिज और एजुकेशन के लिए जोड़ते हैं, और वो सब स्पैमर की बातों से अट्रैक्ट होकर अपनी सारी जमा पूंजी गवा बैठते हैं। और आप भी जरूर किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर जानते होंगे जो कभी न कभी स्पैम कॉल की शिकार हुए हो, या हो सकता है कि आप भी एक स्पैम कॉल की शिकार हो चुके हों। स्पैम कॉल के मामले में इंडिया 4th नंबर पे आता है और स्पैम कॉल उठाने के मामले में इंडिया 2nd नंबर पे आता है। वही स्पैम कॉल जो आपको कॉल करके बोलते हैं कि लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, इस टाइप की कॉल हमारा मूड तो बहुत ज्यादा खराब करते हैं लेकिन साथ ही साथ हमारा टाइम भी खराब करते हैं। क्योंकि अब के टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे स्पैमर्स का और भी अपॉर्चुनिटी बढ़ता जा रहा है, इनका बहुत ज्यादा फायदा होता जा रहा है, स्पैमर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक मेथड बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप सभी स्पैम कॉल्स को ठिकाने लगा दोगे। ये सभी कोड अलग अलग कैटेगरी के मैसेज को ब्लॉक करने के लिए है। आप जिस भी कैटेगरी के स्पैम मैसेज या कॉल को ब्लॉक करना चाहते हो, इजीली आप कर सकते हो। जस्ट आपको 1901 पे वो कोड सेंड करना है। जैसे आपने ब्लॉक 1 करके 1909 पर भेजा तो जितने भी सारे बैंक से रिलेटेड कॉल और मैसेजेस हैं वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे, जैसे लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, नया अकाउंट खुलवा दो और भी बहुत कुछ। तो ये SMS भेजने के बाद अभी टाइप के मैसेज और स्पैम कॉल्स आपको आना बंद हो जाएंगे। और ब्लॉक 2 भेजोगे 1909 पर तो जितने भी रियल स्टेट टाइप के मैसेज और कॉल्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी के लिए, हाउस के लिए, तो इस टाइप की मैसेज और कॉल आना आपको बंद हो जाएंगे। और ब्लॉक 3 लिखते हैं तो एजुकेशन कैटेगरी के जितने भी स्पैम मैसेज और कॉल हैं वो सब आना बंद हो जाएंगे। तो ये पूरी लिस्ट को आप अच्छे से देख लो, पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड के साथ या अपने फैमिली मेंबर के साथ ताकि वो स्पैमर को अवॉइड कर सके। और आपको ध्यान देना है कि जो भी कोड आप शेयर करोगे 1909 पे वो सभी कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, मतलब बड़े वाले अल्फाबेट में। और अगर आप ये चाहते हो कि आपको किसी भी तरह का मैसेज या स्पैम कॉल ना आए, मतलब कोई भी स्पैम कॉल या मैसेज ना आए, तो ये जस्ट आप एक सिंगल मैसेज से कर सकते हो। आपको टाइप करना है फुली ब्लॉक और भेज देना है 1909 पे, इससे सभी कैटेगरी के स्पैम मैसेज और कॉल्स आना बंद हो जाएंगे। और जो भी ट्रांजैक्शन आप खुद करेंगे अपने मोबाइल एप्लीकेशन से या फिर अपने बैंकिंग एप्लीकेशन से, इससे आपके किसी भी बैंक ट्रांजैक्शन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। और कभी आपको लगता है कि मुझे ये सब अनब्लॉक करना है तो आप ये भी कर सकते हो, सिंपली आपको जस्ट SMS करना है अनब्लॉक ऑन और भेज देना है आपको 1909 पे, तो इससे जितने भी आपने ब्लॉक किए थे स्पैम कॉल और मैसेज वो सब से दोबारा आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो हो गई वो सर्विस जो गवर्नमेंट लेके आई है किसी भी तरह के स्पैम कॉल और मैसेज से बचने के लिए, उन्हें अवॉइड करने के लिए। लेकिन ये सब आप ब्लॉक कर सकते हो भी खुद के फोन से, जो आपके फोन में इनबिल्ट सेटिंग होती है। हो सकता है आपने पहले कभी ट्राई भी किया हो एक एक नंबर ब्लॉक करके, कॉल आया और आपने ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करता क्योंकि स्पैमर जो है इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि अगर आपने उनका पहला नंबर ब्लॉक कर दिया तो वो दूसरे फोन से कॉल करेंगे, दूसरा नंबर आपने ब्लॉक किया वो तीसरे नंबर से कॉल करेंगे। ये आइडिया बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है कि आप एक एक नंबर को ब्लॉक करो, मतलब एक एक नंबर ब्लॉक करने का आपका कोई भी फायदा नहीं है। इसके लिए जस्ट आपको अपने मोबाइल के कॉलिंग एप्लीकेशन में जाना है, ऊपर 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको ब्लॉक नंबर पे आना है, फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है अननोन। इस सेटिंग को आप एक्टिवेट करते ही जितने भी टाइप के आपके अनसेव्ड नंबर है, मतलब अनआइडेंटिफाइड नंबर, जो कॉन्टेक्ट नंबर आपके फोन में सेव है, जस्ट वो कॉल आपको रिसीव हो पाएगा, वो कॉल आपको शो होगा, लेकिन जो भी नंबर आपके फोन में सेव नहीं है वो नंबर से कॉल आपको नहीं आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपके बेनिफिट का है या फिर नहीं है। आजकल हर स्मार्टफोन में ये फीचर ऑलरेडी होता है और ये सभी स्पैमिंग आप अपने नेटवर्क ऑपरेटर के थ्रू भी ब्लॉक कर सकते हैं। जो भी सिम आप यूज करते हो, एयरटेल, वी, जियो, आपको जस्ट अपने नेटवर्क ऑपरेटर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे जियो आपने डाउनलोड किया, जियो एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको सेटिंग के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है DND का, डू नॉट डिस्टर्ब, इसे ऑन करने के बाद आपको कोई भी स्पैम कॉल और मैसेज नहीं आएंगे। ये ऑप्शन मिलता है आपको नेटवर्क ऑपरेटर की साइट से, जो ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए स्पैम कॉल को अवॉइड करने के लिए। और आपको ये बिल्कुल पता नहीं होगा कि स्पैमर्स को आपके मोबाइल नंबर कहाँ से मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो भी आप ऑनलाइन सोशल मीडिया या आप किसी वेबसाइट पे या आप शॉपिंग वेबसाइट पे अननोन वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं या वेबसाइट पे आप लिंक क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे जो आप अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम एंटर करते हैं, तो इसी की हेल्प से स्पैमर्स को आपका नंबर मिल जाता है। बहुत सारे
सारे नंबर्स मिल जाते हैं और फिर वो वन बाय वन सभी को कॉल करते हैं और परेशान करते हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, होपफुली वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए।